सेट रिलेशन एंड फंक्शन फॉर डिजिट मैथ के लिए वीडियो नंबर 7। इसमें हम सम ऑपरेशन दे रहे हैं फॉर ऑन सेट के लिए, या जैसे यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट यानी कि ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एक्स सेट, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए इक्वल टू मान लिया 1 2 3 एलिमेंट्स हैं एंड बी इक्वल टू 2 3 4 हैं, देन ए यूनियन बी इक्वल टू होगा 1 2 3 4, ए एंड बी के दोनों के एलिमेंट आ जाते हैं, यानी कि 1 2 3 आ गया है एंड 4 भी आ जाएगा, कंप्लीट एलिमेंट आ जाते हैं। ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सेट, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। सपोज ए इक्वल टू है 1 2 3 एंड बी इक्वल टू है 2 3 4, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2 3 होगा। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस यानी ए माइनस बी, डी एन डबल एफ ई आर, डिफरेंस ऑफ टू सेट ए माइनस का बी इक्वल टू एक्स सेट, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स नॉट बिलोंग टू बी, एक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 2 3 4, देन ए माइनस बी इक्वल टू 1, यानी ए माइनस बी करेंगे तो जो एलिमेंट यानी 2 3 है इससे कैंसिल हो जाएगा, ए में जो एलिमेंट बचेगा वो ए माइनस बी होगा। अगर बी माइनस ए करते हैं तो आएगा 4, जो बी में एलिमेंट बचता है वो बी माइनस ए हो जाएगा। अब बात आती है डिफरेंस हो गया है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए की पावर सी या ए की पावर डेस करते हैं, एक्स दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए बट एक्स बिलोंग्स टू यू, यानी यू माइनस ए के बराबर होता है। ठीक है, यू माइनस ए के बराबर होता है। सपोज यू में है 1 2 3 4 5 एंड ए इक्वल टू है 1 2, देन यू माइनस ए यानी कि ए डैस या ए की पावर सी, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी इक्वल टू ए डैस या यू माइनस ए होगा। तो यू में से ए सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 4 5 बच जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ उसके बाद देते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ पे एक नए क्वेश्चन डिजिटिविटी में आता रहता है, या तो प्रॉपर्टी पे आएगा, क्या प्रॉपर्टीज हैं ये, इन्हीं में से सेट कराने को एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आया करता है, और अदरवाइज इसमें न्यूमेरिकली वैल्यू डाल देते हैं उसको सेट कराने के लिए आता है। ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट या ए यूनियन बी का डैस, ए डैस इंटरसेक्शन बी डैस, इसको ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट। दूसरा होता है ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू होगा ए माइनस का बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तीसरा है ए माइनस का बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस का बी यूनियन ऑफ ए माइनस सी। चौथा होता है ए इंटरसेक्शन बी का डैस इक्वल टू ए डैस यूनियन बी डैस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट यही इसको लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी की पावर सी लिख दें, ए की पावर सी यूनियन ऑफ बी की पावर सी। ठीक है, इसकी चार प्रॉपर्टी डी मॉर्गन लॉ की होती हैं, और चारों के चारों में से एक नए क्वेश्चन इस पे या तो प्रॉपर्टी बेसिस आ जाता है या फिर उन पे वैल्यू ए बी सी की वैल्यू दिया होता है, वैल्यू ड्रा करके उसको वेरीफाई करने के लिए आता रहता है, क्वेश्चन अच्छा होता है। ये हो गया था डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इन पे प्रॉपर्टी बेसिस क्वेश्चन आने के चांस रहा करते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी आनी ही चाहिए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ,
कॉम्यूटेटिव नियम में ए यूनियन बी इक्वल टू होता है वी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। आगे है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होगा एसोसिएटिव लॉ।